हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंफर्ट फूड्स बाय सरिता। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉइल्ड एग्स एक करी सॉस के साथ। सॉस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। एक प्याज को फाइनली चॉप करेंगे, मैं इसे चॉपर में कर रही हूँ, आप जैसे भी करना चाहें फाइनली चॉप कर लें। तो यहाँ मैंने प्याज और अदरक एक साथ ही चॉप कर लिया है और देखिए कितना फाइन चॉप हुआ है। अब एक पैन में 3 से 4 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें प्याज और अदरक डाल देंगे, ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब 2 टमाटरों को एक एक करके फाइनली चॉप कर लेंगे, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। प्याज हमारे कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कढ़ाई मसाला का जो पाउडर है वो डाल देंगे। 30 सेकंड्स फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाले जले नहीं, और फिर इसमें चॉप टोमेटोज़ डाल देंगे। कढ़ाई मसाला की जगह आप सब्ज़ी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे जिससे धनिया का फ्लेवर खूब अच्छा सॉस में आ जाए। 1 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरी भी डाल देंगे। टमाटर अच्छे से कुक हो चले हैं, अब हम गैस को धीमी कर देंगे और इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है और 1-1 चम्मच करके हम इसमें दही डालेंगे। कटोरी में लगे दही में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। अब ये देखिए सॉस हमारा बनकर एकदम तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ और वेलवेटी टेक्सचर है। अगर आप इसे ग्रेवी फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो बस इसमें थोड़ा पानी डालकर सिमर करेंगे और ग्रेवी बन जाएगी। तो चलिए इस सॉस में अब हम बॉइल्ड एग्स को रख देते हैं हाफ करके, और अब एक स्पून से सॉस को एग्स के ऊपर हिला देंगे। अब हम धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे जिससे कि एग्स अच्छे से गर्म हो जाए। किसी भी राइस के ऊपर इन्हें फैला देंगे, या तो पुलाव हो या प्लेन राइस हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये सॉस आप एग्स की जगह पनीर के साथ भी बना सकते हैं, गोभी के साथ बना सकते हैं, मशरूम के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और बस राइस के ऊपर वेजिटेबल्स को फैला दीजिए, अमेजिंग टेस्ट आएगा राइस का भी और सॉस का भी। ये रेसिपी मैंने बहुत साल पहले किसी बुक या मैगज़ीन में देखी थी, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।